तो लिस्ट बनाकर दे दूंगा कि ये चाहिए। लेकिन वो मोमिन, वो इबादत गुजार मोमिन क्या मांगता है? खुदाविन अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, चिंता है मेरे जीव की, मेरे जीव की चिंता है मौला। जैसे ही मेरा जीव निकले अपने नूर में एक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मौला सामने सवाल करते, अच्छा बोलो अभी मिलना है हमारे नूर में, अभी मिलना है? हाँ खुदाविन अभी तैयार हूं। मौला ने फरमाया ठीक है, ऐसा करो शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। और वो मोमिन घर पे गया, नाले धोले, शीश गुथाले के साजन के घर जाना है, श्रृंगार कर ले कि वापस फिर कभी नहीं आना है, कि ना धो के तैयार हो जा, तेरे मौला ने तुझे बुलाया है और अब तुझे वापस लौट कर नहीं आना है। तो वो ना धोकर तैयार हुआ, सबको वसीयतें करता है और फिर आखिर में सो गया, और ऐसा सो गया कि इमाम के नूर में वासल हो गया, इमाम के नूर में वासल हो गया। और इमाम का फरमान है मोमिन होकर जो आखिरी दम तक मोमिन रहता है और जब मरता है सीधा इमाम के नूर में एक हो जाता है, यह है मोमिन, यह है बैतुल ख्याल, और यही मर्तबा है, यही मकाम है कि एक इंसान उस दर्जे पर पहुंच जाए, उस मकाम पर पहुंच जाए जो मार्फत है, जो हकीकत है। और वहां पर पहुंचने के बाद उसको और कोई तलब और कोई ख्वाहिश नहीं होती, और इमाम भी उसके लिए बहुत सारी चीजें बयान करते हैं और मौला बहुत सी बातें उसके लिए कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वीडियो में हवाला था तरीकत शरीयत मारफत, एक ऐसा मकाम जहां पर एक इस्माइली मोमिन जब इंतकाल कर जाता है तो अपने इमाम के नूर के साथ मिक्स हो जाता है, असल में वासल हो जाता है। यही वो दुआ है कि जब एक इस्माइली मर जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो उसके घर वाले ये दुआ करते हैं कि ये इमाम के नूर में वसल हो जाए, असल में शामिल हो जाए, और इसे ये मारफत कहते हैं। इस्माइलियों का अकीदा कि हमारी पैदाइश में ही, हम पैदाइशी तरीके से ही मारफती मोमिन हैं, हमने इमाम को पहचान लिया, हम असल में मारफत को पहुंच गए। ये तमाम वो बातनी अकीदे, शेख मुमताजुल हक मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये बयान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से उन इस्माइलियों के लिए जो कहते हैं कि तुम लोगों ने सिर्फ शरीयत पकड़ रखी है, हम असल में हकीकत के मोमिन हैं, हम मारफती मोमिन हैं। शेख साहब से हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख मुमताजुल हक साहब। वबरकातु जी। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। शुरू करते हैं उस पाक जात के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है और जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। हम उसकी खिदमत में, उसकी बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाए और हम सबको हिदायत नसीब फरमाए ताकि हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, और जब हमारे खात्मे का वक़्त आए तो अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती के साथ खात्मा नसीब फरमाए और क़यामत के दिन हमारा हशर अपने नेक बंदों के साथ फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत में आप अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह हमारा हशर फरमाए और आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में जगह नसीब फरमाए। तो गुजारिश ये है कि दुनिया का सारा निज़ाम ज़ाहिर पर चलता है, हर हर काम हर बात वो जाहिर के हिसाब से ली जाती है, और इस्लाम का निज़ाम भी इसी तरह चलता है। दुनिया में हम देख, और हमारा दीन एक फितरी दीन है,
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, हुजूर ने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला अलफितरा, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, और फितरत का तकाजा ये है कि जो चीज सामने है वो सामने है। दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि यानी हर काम, खाने पीने से लेकर इलाज मुआलजे तक, कारोबार तक, सियासत तक, हर चीज उसका मदार जाहिर पर है। और यानी जिस तरह अगर आपको भूख लगी है तो आप एक मर्द अपनी बीवी से या एक 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 जवान अपनी वालिदा से कहता है कि अम्मा भूख लगी है, तो वो उसको जो है रूहानी गिजा नहीं देती, वो उसको जहरी खाना पेश करती है। और इंसान जहर तौर पर पानी पीता है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो अपनी एक जहरी कैफियत का इजहार करते हुए डॉक्टर के सामने अपने हालात, अपनी वो अपनी शिकायत रखता है, तो वो डॉक्टर जो होता है वो उसका जहरी एतबार से मुआयना करके उसको साफ ऐसे ऐसा इलाज तजवीज करता है जो आम जहर में होता है। कोई गोली खानी है, इंजेक्शन लगवाना है, ऑपरेशन करवाना है, जो कुछ करवाना है। अगर इंसान की गाड़ी खराब हो जाती है, ब्रेक काम नहीं कर रही, या किसी और चीज की जरूरत है, तो इंसान किसी मैकेनिक के पास जाता है, तो जिस तरह वो जो बात कहता है उस बात का वो ही माना लिया जाता है कि गाड़ी खराब है। डॉक्टर के पास जाता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, बुखार है, किसी और जगह तकलीफ है, किसी और जगह आप कारोबार करते हैं, तो जो आप कहते हैं अगला समझने वाला भी उसी मफहूम को समझने की कोशिश करता है और फिर उस जैसा मामला करता है। तो ये सारा फितरी निज़ाम है, पूरी कायनात में यही निज़ाम चलता है। और जब से अल्लाह ताला ने दुनिया को बसाया है, उस वक्त से आज तक और फिर क़यामत तक यही हिसाब चलेगा। इसी तरह हमारा दीन है, हमारा दीन एक फितरी दीन है, उसमें हमें ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फरिश्तों पर, किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर, आखिरत पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है। और हम अपने दिल और जान से ईमान रखते हैं और जबान से उसका इकरार करते हैं। इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से तस्दीक करते हैं और जबान से इकरार करते हैं। और फिर जब आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसको जाहिरी नमाज का 5 वक्त का मुकल्लफ बनाया गया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, जिसका जाहिरी एक ढांचा हमें सिखाया गया है कि उसके लिए पहले वजू करना है और वजू पानी से करना है, और उसमें हाथ मुंह धोने हैं, और जो है मसा करना है, पांव धोने हैं, और फिर जो है लिबास पाक हो, जिस्म पाक हो, और अपना सर, अपना सतर वो ढका हुआ हो, किबला की तरफ रुख हो, और जो है नमाज का वक़्त हो। तो ये सारी शरायत है नमाज की, जिनका ताल्लुक जाहिर के साथ है, हकीकत के साथ है। और फिर जब नमाज पढ़नी है तो इसका एक तरीका होता है, आपने किबला की तरफ मुंह करके यानी खड़ा होकर आपने फिर कुछ हरकत अदा करनी होती है। आपने क्याम करना है और रुकू करना है, रुकू इस हाल में कि यह जो है आपका जिस्म को झुक जाए, फिर आपने सजदा करना है, सजदे के अंदर अपना सर रखना है, फिर उसकी और आखिर में तशहुद यानी कादा आपने बैठ कर नमाज को पूरा करना है, फिर दोनों तरफ सलाम फिरने हैं, फिर उसके बाद जो है इस्लाम का तीसरा रुकन जो है वो जकात है। आपको अल्लाह ताला ने जो माल दिया है उसका कुछ हिस्सा आपने, जो आपकी सालाना बचत है उसका 40वां हिस्सा आपने जकात के तौर पर अदा करना है, उस माल में से निकालना है जो नजर आता है, जाहिर है। और फिर आपने रमजान के रोजे रखने हैं। रोजा रखना जो है इसमें कोई शक नहीं कि उसकी एक 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 बातनी कैफियत भी है, हर अमल की, नमाज की, रोजे की भी, लेकिन उसका जाहिर जो है जिसको रोजा कहते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, जो हज़रत अली ने रखा, हजरत हसनैन ने रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इमाम बाकिर ने, इमाम जाफिर सादिक ने, उन्होंने इसी तरीके से नमाजें पढ़ी जिस तरह सारे मुसलमान नमाजें पढ़ते हैं, वजू करके, गुसल की जरूरत है तो गुसल करके, कपड़े पहनकर साफ और पाक कपड़े पहनकर जो है अपने सतर को ढांप कर किबला की तरफ रुख होकर मस्जिद में उन्होंने नमाजें पढ़ी जिस तरह सारे मुसलमान पढ़ते हैं, उन्होंने इसी तरह रोजे रखे जिस तरह सारे मुसलमान रखते हैं, सहरी से पहले सहरी करते थे, और फिर सारा दिन खाने पीने से और जो है अज़दवाजी तल्लकात से इज्तनाब करते थे, हत्ता के सूरज गुरूब हो जाए फिर वो अपने रोजे को इफ्तार करते थे।
और उन्होंने सब ने कई मरतबा हज हज पढ़े, हज के लिए बकायदा एहराम बांध कर, जो जहरी एहराम है, दो यानी बगैर सिले हुए कपड़े पहनकर जो है उन्होंने मक्का का सफर किया, बैतुल्ला का तवाफ किया, अरफात में हाजिरी दी, मीना में ठहरे, और फिर जो है मीना में उन्होंने जमरात पर वो जो है ना रमी की, यानी जो शैतान के जो मकाम बने हुए हैं वहां उन्होंने पत्थर मारे, और सफा मरवा में सही की और तवाफ ज़ियारत किया। तो ये सारे जहरी अरकान है, नजर आते हैं कि वो उन्होंने उन्होंने क्या किया। तो ये सारी चीजें ये शरई उमूर हैं जिनको शरीयत कहते हैं। अब एक आदमी जिस तरह उसको अगर भूख और प्यास लगी हो तो जब तक वो जहरी तौर पर खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, अगर वो बीमार हो जाए तो वो अपना दवा दारू नहीं करता, तो फिर उस वक्त तक जो है ना वो इंसान मुतमइन नहीं होता। इस तरह अल्लाह वाले जो होते हैं वो भी करते हैं। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि हाजर इमाम साहब जो इस्माइलियों के हैं, अगर उनको जरूरत पेश आती है, वो दिन में भी कई मरतबा रूहानी गिजा सिर्फ नहीं जारी खाना खाते होंगे, और फिर वो अपने जारी ठाट बाट में लिबास पहनते हैं, और जब आप वो थक जाते हैं तो यकीनन रात को जहरी आंखों से वो सोते हैं, और सारे काम वही करते हैं जिस तरह आम इंसान करते हैं। और अगर वो बीमार हो जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने यकीनन कई मरतबा इलाज मुआलजे के लिए डॉक्टरों की तरफ रुजू भी किया होगा और दवाइयां भी खाई होंगी, और अस्पताल में जाने की जरूरत पेश आई होगी अगर उनको और उनके अहलो अयाल को, तो वहां भी वो गए होंगे। तो जिस तरह दुनिया का सारा निज़ाम जाहिर पर चलता है, उनके सारे मामलात भी जाहिर के ताबे होंगे और जाहिर के साथ जुड़े हुए होंगे। तो शरीयत का मामला भी इसी तरह जाहिर के साथ है। जो एक मुसलमान क्या है, मुसलमान जो है वो अपने जो ईमान की हकीकत तो दिल में है, लेकिन उसका इकरार और उसका एतराफ इंसान जारी तौर पर जबान से करता है, और फिर जबान से एतराफ करने के बाद वो पाबंद होता है कि वो नजर आए और वो देखा जाए कि वो नमाजें पढ़ता है, और इस तरह वो जक़ात अदा करता है, और वो रोजे भी रखता है रमजान के, यार, और रमजान के अलावा भी अगर रखना चाहे, और अगर अल्लाह ताला ने उसको माल दिया है तो फिर वो हज भी करता है, इसके अलावा हलाल का एहतमाम करता है, हराम से इज्तनाब करता है। तो जिस तरह जहरी तौर पर कोई आदमी अगर जहर खाएगा या नुकसानदेह चीज का इस्तेमाल करेगा तो उसको नुकसान होता है, तो इसी तरह शरई तौर पर कोई आदमी हराम का इर्तकाब करे तो उसका रूहानी और ईमानी और दीनी नुकसान होता है। तो ये सारी चीजों का वो मुकल्लफ है, ये फितरी उमूर हैं, और हमारा दीन एक फितरी दीन है। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि एक जब आदमी नमाज पढ़ता है तो जिस तरह जिस्म के अंदर एक हमारे जिस्म में हमारे हमारे वजूद में एक हमारा जिस्म है और हमारा ईमान है कि एक उसके अंदर रूह है, और जब तक रूह है इंसान का जिस्म वो नकल हरकत करता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जबान बोलती है, दिल दिमाग सोचता है, टांगों से हरकत होती है, लेकिन जब रूह निकल जाए तो आंखें तो हैं लेकिन वो देख नहीं सकती, कान हैं लेकिन सुन नहीं सकते, जबान है लेकिन बोल नहीं सकती, हाथ पांव हैं लेकिन काम नहीं करते, तो वो उसकी रूह की वजह से इंसान के अंदर जिंदगी की कैफियत महसूस होती है और उसमें जान आ जाती है, उसमें कुव्वत होती है। तो इसी तरह आमाल में एक जारी ढांचा है, जब उसमें वो रूहानियत का पहलू आ जाता है, यहाँ रूहानियत से मुराद अल्लाह ताला की रजा का जज्बा जिसको हम इखलास से तबीर करते हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत और अल्लाह ताला की पहचान। जब आदमी नमाज पढ़ता है, एक तो उसका जाहिर है जो नमाज के अंदर खड़ा है, और वो जो है बैतुल्ला की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर कहकर सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ता है, फिर सूरत फातिहा पढ़ता है, फिर उसके अलावा दूसरी सूरत पढ़ता है, फिर रुकू करता है, लेकिन ये नमाज का एक जाहरी ढांचा है। लेकिन जब नेकी पर तरक्की करते करते इंसान के अंदर की कैफियत बनती हैं और नमाज में रूहानियत पैदा हो जाती है और इंसान का बातिन रोशन हो जाता है, तो फिर नमाज इंसान इस तरह अदा करता है अल्लाह को खालिस राजी करने के जज्बे से, गोया अल्लाह ताला से आदमी हम कलाम हो रहा है, और उसको इस बात का एहसास होता है कि मैं अल्लाह ताला के सामने खड़ा हूँ। तो जिस तरह रूह का जिस्म के बगैर
उसको जिंदगी नहीं कहते। हम सब का आलम अरवाह के अंदर एक एक वक्त हमारा एक हमारा वजूद था, वो रूहानी दुनिया थी, उसको जिंदगी से ताबीर नहीं करते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा की इब्तिदा में इंसान के वजूद की कुछ यानी सीढ़ियां अल्लाह ताला ने गिनवाई हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन। तुम किस तरह अल्लाह ताला का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ताला ने तुमको जिंदगी बख्शी, फिर तुमको मौत देगा, फिर तुमको जिंदा करेगा, और तुम सबको फिर उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो यहाँ मौत पहले है और फिर उसके बाद जिंदगी है, फिर मौत है, फिर जिंदगी है, फिर अल्लाह की तरफ रुजू है। तो हमारी ये जो मौजूदा जिंदगी है, जो हमारे मौजूदा जो दौर जिससे हम चल गुजर रहे हैं, जिसमें हमारी रूह हमारे जिस्म के अंदर है, इसको हम जिंदगी से ताबीर करते हैं। इससे पहले हमारा जिस्म नहीं था, हमारी रूह का वजूद था आलम अरवाह के अंदर। तो वो एक रूहानी कैफियत थी, एक रूहानी मंजिल थी, बातनी कैफियत थी। तो उसको अल्लाह ताला ने मौत से ताबीर किया है। जिंदगी क्या है? जब रूह जिस्म के अंदर आती है तो उसको फिर हम जिंदगी से ताबीर करते हैं। इसी तरह बातनियत यानी रूहानी कैफियत तब काबिले कुबूर हैं, तब मोतबर हैं, जब उनका जहरी ढांचे के अंदर एक वजूद हो। एक आदमी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ने के साथ फिर उसकी जो रूहानी कैफियत हैं, जो बातनी कैफियत हैं, फिर वो मोतबर होती हैं। एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो वो ये समझता है कि हमारी नमाज यहाँ नहीं, हमारी नमाज मक्के में होती है, तो उसके साथ फिर शैतान खेल रहा है, उसको वो धोखे में पड़ा हुआ है और वो आदमी गुमराह है। जिस तरह अगर किसी आदमी को भूख लगी हो तो फिर जब तक वो जारी तौर पर खाना नहीं खाता, उसकी तबीयत के तकाजे पूरे नहीं होते और उसमें बेचैनी रहती है, और इस तरह भी कैफियत पैदा हो जाती है। किसी आदमी ने किसी भूखे से पूछा भी, दो और दो क्या होते हैं? तो उसने कहा चार रोटियां। उन्होंने तो सादा सा सवाल पूछा भी, दो और दो कितने होते हैं? तो भूखे ने जवाब दिया कि चार रोटियां। क्योंकि जब आदमी को भूख या प्यास लगी हो तो फिर उस वक्त आदमी को कोई और बात समझ में नहीं आती, बस यही होता है कि बस किसी न किसी तरह मुझे खाना या पानी मिल जाए। तो जिस तरह आदमी को भूख लगी हो तो जब तक जहरी तौर पर आदमी खाना नहीं खाता, उसकी हाजत पूरी नहीं होती, उसकी कैफियत जो है वो पूरी नहीं होती। तो इसी तरह नमाज के अंदर जब तक जहरी ढांचा ना हो, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के नेक बंदों की जो रूहानी कैफियत होती हैं, वो अंदरूनी कैफियत, वो तरक्की करते करते वो एक एक और ही मयार पर पहुंच जाती हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो जहरी नमाज के अलावा किसी और चीज को नमाज करार दिया, ना हजरत अली ने, ना हजरत हसनैन ने, बल्कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो इतना भी मशहूर है कि करबला के अंदर जब वो अपने मुखालिफिन के साथ के सामने आप सफ आ रहा थे, तो वहां भी जब नमाज का वक्त हो गया तो आपने वहां भी जहरी नमाज को नहीं छोड़ा, वहां आपने बातनी नमाज अदा नहीं की। सिर्फ वहां ये नहीं कि चलो मेरी अंदरूनी कैफियत जो है वो नमाज वाली है तो वो बस मुझे मेरे लिए वही काफी है, ना। वहां हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जहरी नमाज जो मुसलमान अदा करते हैं शरीयत की रूह से, उसी को अपनाया और उसका हक अदा किया। तो इसी तरह बाकी इमाम इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम बाकी, इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह मुसलमानों के साथ मस्जिदों में जाकर नमाजें अदा करते थे, मुसलमानों के साथ रोजे रखते थे, मुसलमानों के साथ हज पढ़ते थे, हज अदा करते थे। तो बावजूद इसके कि उनकी बातनी कैफियत तो इतना इंतहाई आला दर्जे की थी, लेकिन वो इन चीजों से बेनियाज नहीं हुए। जिस तरह जिस्म के बगैर रूह का वजूद जिंदगी जो है जिंदगी पर दलालत नहीं करता, जिंदगी के लिए रूह का जिस्म के अंदर होना जरूरी है। जब रूह हो लेकिन जिस्म के अंदर ना हो तो वो मौत है। और इसी तरह जब
जिस्म के अंदर रूह आ जाती है, बातिन इंसान का रोशन और मुनव्वर हो जाता है, फिर जब रूह निकल जाती है तो फिर इंसान वो एक लाश शुमार होता है, मुर्दा समझा जाता है, फिर उसको इंसानों की बस्तियों में भी नहीं रहने दिया जाता, बल्कि उनको जल्द से जल्द कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया जाता है। तो इसी तरह दीन के सब पहलू जो हैं वो जाहिर के ताबे हैं। हाँ, अलबत्ता इतनी बात जरूर है कि जब आदमी जाहिर के साथ साथ, जाहिर को छोड़कर नहीं, जाहिर के साथ साथ अपनी जो है वो असलियत की तरफ और अपनी हकीकत के ऊपर मेहनत करता है, अल्लाह अल्लाह करते करते, नेक काम करते करते, जब क्योंकि हदीस में आता है कि जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल यानी इसका जिक्र बल्कि कुरान में है, कल्ला बलरान आला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिल जो है वो जंग आलूद हो गए उसके सबब जो वो उन्होंने कमाया, यानी जो उन्होंने काम किए। तो जब आदमी हदीस में इसकी वजाहत है कि जब आदमी गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, अगर वो इंसान तौबा कर ले तो वो साफ हो जाता है, अगर तौबा ना करे और मजीद गुनाह करता रहे तो फिर और स्याह नुक्ते लगते रहते हैं, ताकि दिल बिल्कुल जंग आलूद और स्याह हो जाता है। इसके बरक्स जब आदमी नेक काम करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में एक नूर पैदा फरमा देते हैं, तो वो नूर की वजह से, नूर की कसरत से जब उसके अंदर रोशन हो जाता है, तो फिर अंदर ही अंदर इंसान के अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज पैदा होती है जिसकी वजह से अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत का इस्तेहजार, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की तरफ शौक, ये चीजें बढ़ जाती हैं। तो फिर इंसान जब अपनी आदमी अपनी इबादत करता है तो वो इन कैफियात के साथ करता है। तो ये यही यही मकसूद है तरीकत का, कि आदमी ज़ाहरी शरीयत के साथ साथ अपने आमाल को अदा करते हुए, बजा लाते हुए, जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, जब आदमी मजीद इजाफी काम करता है और अच्छे काम करता है तो उसका बातिन रोशन होते होते एक ऐसे नहज पर पहुंच जाता है जब उसके सारे काम अल्लाह को राजी करने के जज्बे से, अल्लाह की मोहब्बत से, वो उस ईमानी नूर से मुनव्वर होकर वो अल्लाह ताला की तरफ उठाए जाते हैं। तो और फिर इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए फिर उसके अंदर वो हकीकत पैदा हो जाती है कि एक आदमी जब नमाज पढ़ रहा है मसलन, तो वो सिर्फ वो उसकी जिस्मानी हरकत नहीं हो रही, उसके अंदर एक अल्लाह ताला की जात में वो इंसान इतना मुनहमिक है, अल्लाह की मार्फत में, अल्लाह की पहचान में, और अल्लाह की मोहब्बत में, और अल्लाह ताला के डर से, और अल्लाह ताला को राजी करने के जज्बे से आदमी इस कदर मुनहमिक है और इस इन्हिमाक के साथ वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, तो वो वाकई और हकीकी इबादत वो फिर वो बन जाती है। तो इसी का नाम हकीकत जो है, हकीकत से ताबीर किया गया है। और फिर जब आदमी इस नहज पर पहुंच जाए तो फिर वाकई जो जवाब जब आदमी अल्लाह ताला के सामने खड़ा है, अल्लाह ताला की अजमत का, अल्लाह ताला की किबरियाई का, और अल्लाह ताला के जलाल का, और अल्लाह ताला की सिफात का, जब आदमी के अंदर इस्तेहजार पैदा हो जाए तो चीज को मार्फत से तबीर करते हैं। तो ये सारी चीजें शरीयत के तादे हैं। एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता तो समझता है कि उसकी नमाज जो है ना वो बिल्कुल इसी तरह है, वो एक शख्स किसी आदमी एक एक आदमी एक आदमी किसी के यहाँ दावत पे गया, तो जब उन्होंने खाना पेश, पहले कुछ बातें होती रही, बैठे थे तो नमाज का वक्त हो गया, कुछ लोगों ने कहा चलो नमाज पढ़ लेते हैं, तो उन्होंने कहा भी हमारी नमाज यहाँ नहीं होती, हमारी नमाज तो मक्के में होती है, तो हम वहां नमाज अदा करते हैं। तो फिर उसके बाद जब खाना लाया गया तो पता था भी मतलब, तो फिर जो मुरीद था या जिसके घर में दावत थी वो भी जरा समझदार था, तो उसने क्या किया कि चावलों के नीचे सारी बोटियां रख दी, तो खाना पेश कर दिया, और ऊपर से जो है खुश्क सफेद चावल थे। तो फिर वो जो है वो सूफी साहब या जो है ना वो बातनी साहब, वो इस तरह वो परेशान हो गए कि ये क्या मेरी तौहीन है। तो जब वो उनका मुरीद जो था या जो 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 मेजबान था, वो समझ गया कि इनकी कैफियत जो है ना वो अब बदल रही हैं और ये अपने से बेकाबू हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हजरत ये सब नीचे है, माशाल्लाह आपको यहाँ बैठे बैठे मक्का तो नजर आ गया, लेकिन यहाँ नीचे जो बूटियां रखी हुई थी वो आपको नजर नहीं आई। तो मारिफत जो होती है वो हकीकत, और जो होती है वो असलियत की जो जो पहचान है,
हाँ, जो तो इसी चीज को मारफत से ताबीर किया गया कि जब आदमी हर काम अल्लाह ताला की रजा की खातर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, फरमाया कि जब आदमी हर काम अल्लाह की रजा के जज्बे से करे, मन आता लिल्ला, आदमी किस कोई चीज किसी को दे तो अल्लाह को राजी करने के लिए, वो मन अलिल्ला, कोई इसी चीज को रोक कर रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, और किसी से मोहब्बत करे तो वो भी अल्लाह के लिए, किसी से बुग़्ज़ और अदावत रखे तो वो भी अल्लाह के लिए, फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तो फिर ऐसे आदमी ने अपने ईमान को कामिल कर लिया। तो ये ईमान को कामिल करने की राहें हैं, और ये मुख्तलिफ जो है ये स्टेशन समझ लें, और इन सब की बुनियाद शरीयत पर है। जब शरीयत, जब बुनियाद ही नहीं होगी तो ऊपर की मंजिलें कैसे खड़ी रह सकती हैं? तो बुनियाद और असल जो है वो शरीयत ही है। एक साथी ने मुझे वो एक मैसेज भेजा कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे दीन की जो असल है, जो अरकान हैं, उनकी उनकी मिसाल जड़ और शाख की तरह है, और फिर उस पर जो फूल लगते हैं उनकी मिसाल जो है वो तरीकत है, और फिर उसमें जो रस और खुशबू और जायका होता है वो हकीकत और मारिफत है। तो माशाल्लाह कितनी अच्छी है, कितनी बहुत इंतहाई उम्दा और अच्छी मिसाल इमाम साहब ने बयान फरमाई। तो अगर आप इस पर गौर करें तो पता चलेगा, अगर जड़ सूख जाए तो फिर क्या पत्ते रह सकते हैं और उसके ऊपर फल फूल लगेंगे और उसमें खुशबू और रस पैदा होगा? तो जिस तरह किसी फल में जड़ों की मजबूती के बगैर कोई खुशबू और जायका और फल और फूल नहीं पैदा हो सकते, तो इसी तरह दीन में किसी किस्म की तरक्की और कोई मकाम बगैर शरीयत की पाबंदी के कत अन नहीं पैदा हो सकता। इस शरीयत की पाबंदी के बगैर दुनिया के वो सारे दावे बातिल और धोखा हैं। देखिए, दुनिया की हर सल्तनत में जहरी कानून की पाबंदी का एहतमाम किया जाता है और जहरी कानून ही लागू किए जाते हैं। एक छोटी सी मिसाल से आप बात समझ रहे हैं कि अगर, यानी अब आप तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ही सड़कों पर गाड़ियों को पार करने तक के कवानीन होते हैं। कोई आदमी अपनी गाड़ी आकर ऐसे ही खड़ी कर दे जहां वो गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है, तो फिर उसको जुर्माना अदा करना पड़ता है, फिर उसको फाइन होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला की सल्तनत में, अल्लाह ताला के दीन में जो कवानीन मुकर्र किए गए हैं, उनकी पासबाजी और उनकी और उनका एहतमाम और उनकी पाबंदी हर अल्लाह ताला के हुक्म को और अल्लाह ताला के कानून को, अल्लाह के दीन को मानने वाले पर लाजिम है। इसके बगैर कोई अगर आदमी किसी किस्म का दावा करता है तो वो बातिल है, वो गुमराही है, वो इल्हाद और जिंदका है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और ये तो खुलासे के तौर पर ये अर्ज करते हैं कि ये फितरी और बैनुल अक्वामी और यानी आलमी एक कायदा है, कानून है, कि हर दुनिया दुनिया का सारा निजाम वो जाहिर का पाबंद है, और जाहिर पर जब आदमी मेहनत करते करते दीनी एतबार से तरक्की करता है तो जाहिर के साथ साथ अंदरूनी तौर पर इंसान की रूहानियत उजागर होती है, नूरानी बन जाती है, और उसमें मोहब्बत, इखलास, खुलूस, आजजी, इनकी सारी पैदा हो जाती है, और यही चीज इंसान को फिर आगे तरक्की करते करते एक हकीकत के मायार पर पहुंचा देती है कि जहां उसके सारे मुआमलात असली बन जाते हैं, उसकी इबादत, उसका रोजा। अब रोजे के बारे में जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लम यदा कौल जूर वल अमल बी फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जिसने रोजा तो रखा लेकिन झूठ और गीबत से इज्तनाब और परहेज नहीं किया तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। तो रोजा रखते हुए इन चीजों से परहेज, ये नहीं कि जो आदमी रोजा ही नहीं रखता, भले वो सच्चाई बोलता हो और झूठ ना बोलता हो, तो उसका वो अमल अपनी जगह पर है कि वो आदमी झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो रोजेदार शुमार नहीं होगा। रोजेदार वो ही शुमार होगा जिसने सहरी से पहले खा पी लिया और फिर सहरी खत्म होने के बाद सारा दिन भूखा प्यासा रहे, और भूखा प्यासा रहते हुए फिर वो झूठ और चुगली और ये सारी बातों से भी बचे, तो फिर उसका रोजा सही मायनों में हकीकी रोजा शुमार होगा, क्योंकि वो उसने अल्लाह ताला को पहचान लिया है। तो अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला की कुदरत को, अल्लाह ताला की कुव्वत को, शान व शौकत को, हर चीज को वो समझते हुए
फिर वो अपनी वो सारी चीजें वो इस तरह अदा करता है। तो शरीयत के साथ तरीकत, और फिर शरीयत के साथ वो जो है हकीकत, और फिर उस शरी उमूर में ही मारफत। हाँ, तो अगर शरीयत के बगैर ये सारी दावे होंगे तो ये सारे दावे बातिल हैं। शरीयत की मिसाल बुनियाद की तरह है, बुनियाद के बगैर जो इमारत कायम की जाएगी, खड़ी की जाएगी, वो इमारत पायदार नहीं होगी, बल्कि वो अपने सर पर ही गिर पड़ेगी। तो ये खुलासे के तौर पर, और फिर हमारी जो है 1400 साल की तारीख इस बात पर शाहिद है कि इस्माइलियों के अलावा जो है ना नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ बातनी दावे किए, ना हजरत अली ने किए, ना हजरत हसनैन करीमैन ने किए, ना इमाम जैनुल आबिदीन ने, ना इमाम बाकिर ने, ना इमाम जाफिर सादिक ने। तो जितनों ने किए उन सब की जिंदगियों में ये सारी चीजें जहरी शरीयत के ताबे और उसके साथ साथ चलती रही। लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं या कुछ अरसे से किए जा रहे हैं कि ये नहीं, एक तो ये नमाज है ये ऐसे फजूल है, या इसके अलावा कुछ और भी चीज है, तो ये सारी बातें फजूल हैं। इसका ना हकीकत के साथ कोई तल्लक है, ना मार्फत के साथ कोई तल्लक है, ना तरीकत के साथ कोई तल्लक है, बल्कि तरीकत के हाँ इसमें अलबत्ता कोई शक नहीं कि जिस तरह दुनिया के सारे निजाम में बाज लोग किसी खास फन में महारत हासिल कर लेते हैं, तो इसी तरह दीन के कई शोबे हैं, यानी बाज लोगों ने कुरान की खिदमत को अपने जिम्मे लिया, अपने ऊपर ओढ़ लिया, तो वो कुरान के खुद्दाम कहलाए, वो मुफस्सिर कहलाए। बाज ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, वो मुहद्दिसीन कहलाए। बाज लोगों ने जो है वो फिकी उमूर पर मसले मसाइल लोगों के सामने जो है ना दीनी मसाइल को आसान शक्ल में पेश करना, तो वो फुकहा कहलाए। और बाज लोगों ने रूहानियत पर मेहनत की तो वो अल्लाह वाले या सूफी या तरीकत के जो है ना वो शाह सवार शुमार हुए। लेकिन उन सब की जिंदगियों में शरई उमूर की पाबंदी और जारी जिंदगी जो इस्लामी जिंदगी जो नजर आती है उस सब पर पाबंदी और सख्ती से कार आमद रहना, ये उन सब की जिंदगियों से बिल्कुल वाजे है और रोशन है। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। तो इसके खिलाफ जितने दावे हैं वो सब बातिल हैं। अब देखें ये इस्माइलियों के इमाम जो अपने आप को हाजिर इमाम कहलाते हैं, बाकी सारे दुनिया के उमूर में वो सब जाहिर के मुकल्लफ हैं, सब काम खाने पीने से लेकर इलाज मुआलजा और जो है सफर हजर ये सारे जो है तकाजे पूरे वो जारी एतबार से करते हैं। लेकिन जहाँ दीनी बातों का जिक्र आता है या मसला उठता है तो फिर वहां वो अपने आप को बातनी होने का दावा कर देते हैं। तो ये सारी चीजें धोखा है, गुमराही है, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। का है, गुमराही है और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ दिन पहले हमारे पास एक इस्माइली भाई ने एक लंबी चौड़ी बहस की और यही कहा कि तुम मुसलमान लोग सिर्फ शरीयत को ही पकड़े हुए हो, असल तरीका असल हकीकत तो हम इस्माइली पहुंचे। मौलाना साहब ने, शेख मुमताजुल हक साहब ने बहुत ही अच्छा एक बुनियाद बना दी है। कोशिश ये करेंगे कि हमारे साथ जितने भाई लोग और जितने भी व्यूअर्स शामिल हैं वो अपने सवालात रखें ताकि शेख साहब फौरन फौरन उसके जवाब दे सकें। प्रोग्राम को शॉर्ट रखेंगे, आधे घंटे का लेक्चर हमारे शेख साहब ने दिया है। हमारे एक भाई इब्ने शेख यहाँ पर मौजूद हैं, वो काफी देर से मौलाना साहब से सवाल करना चाह रहे थे। जी भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? मैं आपका माइक अनम्यूट करती हूँ, बल्कि आप खुद अनम्यूट करेंगे तो ही बात हो पाएगी। जी इब्ने शेख आपका शायद नाम है, इब्ने शाख है आई थिंक। अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शेख, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। माय नेम इज ज़ैन, आई फ्रॉम द यूके एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ स्मॉल क्वेश्चन, इफ दैट्स ओके। या दैट्स फाइन, या गो अहेड। If there's a case of Ismailism being propagated through dawah, whether it's on social media or through person or literature, what would you like Muslims in the UK to do to tackle this? And what is the right way to tackle this without offending them? How do you mean? I mean, if so, can you elaborate a bit more? I mean, what are you trying to yeah. say? Basically, how would you like us to? So just say.
a group of Ismailis began to do dawah in the UK, and they're trying to propagate their beliefs, just say at Speaker's Corner or on the streets of London. How would you like Muslims who are in the who believe in Sunni Islam, how would you like them to tackle this group, so ha stop them from doing that, but not directly, but if you know what I'm trying to say. I do understand. I get a gist of what you were saying. Obviously, in UK and well, in most parts of the world, there's freedom of speech. People can do whatever they like, and you can't really stop them. But in order to refute them, you first have to understand, what their beliefs and what their claims are. And then you see, when you discuss their beliefs, and you to a common and ordinary Muslim, it becomes absolutely clear that their beliefs are un-Islamic. They are not compatible with Islam. And then obviously, for example, their main belief is on imamat, on divinely appointed innocent imam. Now, that is a direct contravention of the Islamic concept of the finality of the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the fact that deen has been completed and perfected. So if Islam is perfect deen, which Allah has completed and chosen for us, and Nabi sallallahu alaihi wasallam is the last divinely appointed guidance, then what is the need for these supposed infallible imams? You understand? So obviously, in order to refute, then you have to understand basically your own being, and you have to understand some of their deviant and false beliefs, and compare them, and then inshallah refute them with the with wisdom in a good manner, not in an abusive and insulting manner, but inshallah to engage them in discussion, especially for people. And if you want to, for example, stop the mainstream Muslims or keep them safe, then it's important that we educate them first on these deviant concepts, whether they be Ismaili, whether they be Isnashari in general, or whatever else. Because it's not just sufficient for us Muslims to know what's right. We have to know what's wrong as well. In Surah Fatiha, we pray to Allah, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladina an'amta alayhim, Ghairil Maghdubi alayhim wal-Dhalin. We pray to Allah, Ya Allah, guide us to the right path, the path of those whom you have favored, not the path of those who earned your anger and went astray. So this is Amen. something we are reminded on daily basis. So, 50, 60 years ago, if people did not know, if people lived in a Muslim society surrounded by, for example, Ahlus Sunnah people only, and a person did not know what these deviant beliefs were, it didn't matter too much because he was unlikely to come across them throughout his life. But now, with globalization and social media and so on, where almost everybody's got access to almost everything in the world, so in order to protect your iman and your own deen, it's essential that we educate our masses on all these deviant concepts. If they already have a foundation, then when they come across these deviant beliefs, it doesn't come as a surprise, and they're not hit for six. But somebody who has no idea, and all of a sudden he's subjected to these deviant concepts, then sometimes his own faith can become shaken. Exactly. So true. Jazakallah khair, Sheikh. I got one more question, is that all right? Brother Ibn Sheikh, just want to let you know if you want more details on this one. So we have our contact number given here, so you Okay. can contact us, and then we can discuss more on this one. So to get more better, yeah. Jazakallah khair. Jazakallah Yeah, khair. I have his contact. I will explain him. I will explain the brother in detail. इंशाल्लाह. ओके, वन मोर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. अच्छा, उर्दू में बता देती हूँ. यहाँ पे हमारे भाई ने पूछा कि इस्माइली अकायद को कैसे दिफा करेंगे अगर कोई आता है, बात करता है, प्रोपोगेट करता है, अपने इस्माइली मजहब का प्रचार करता है, तो मुसलमान को क्या करना चाहिए. शेख साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि हमें इनके अकायद को समझ के और इनको रिफ्यूट करना है, जवाब देना है, और लोगों को अवेयर करना है इनके अकायद के बारे में. शॉर्टली बता दिया. माशाल्लाह यहाँ पे सारे पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हुंजा चित्राल से मोस्टली हमारे भाई जो ज्वाइन कर रहे हैं वो लिख रहे हैं कि प्लीज क्या बोल रहे हैं, तर्जुमा कीजिए. तो इन शॉर्ट कर दिया है. टॉपिक पे स्टिक रहते हैं. आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे सवाल होंगे. अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मार्फत शरीयत और हकीकत पर
इन्होंने कई दफा अपने एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को इस्माइली जमात के हवाले से सवाल इनको मिले होंगे। अगर किसी ने सवाल करना है तो शेख साहब से फौरन कीजिए, शेख साहब के नमाज का टाइम भी हो जाता है प्राइवेट में। अच्छा, उसके बाद इब्ने शेख का एक और क्वेश्चन था, वो भी इंशाल्लाह ले लेते हैं, लेकिन पहले हम दूसरे लिसनर्स को भी मौका देते हैं। शेख साहब, यहाँ पे आपने एक इमाम जाफर सादिक का बयान फरमाया कि जैसे टहनी जो है वो शरीयत है, फिर उसके जो कोंपले हैं यानी कि जो बर्ड्स हैं वो तरीकत है, हकीकत है, लेकिन जब हम इनके इस्माइलियों के अकायद को पढ़ते हैं तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि इनके हिसाब से मारफत जो है वो अली अली है, तरीकत जो है वो अल्लाह रसूल और अली है। क्या इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट कहीं पर भी हदीस या इसमें मिलता है, या इनका ये अपना मन घड़क है? अब ये सारे जिक्र अभी ये मार्फत अली अली है, तो असल तो मार्फत तो अल्लाह की जात की है ना, अल्लाह बड़ा है या हजरत अली बड़े हैं। तो अगर हजरत अली बड़े होते तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला ना ये अव्वल पैदा ही क्यों होते। हमारा जो अल्लाह ताला के बारे में जो तसव्वुर है, जो अकीदा है, अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। अब देखें कुरान मजीद में जो सबसे बड़ी आयत शुमार होती है वो आयतुल कुर्सी है। आयतुल कुर्सी में क्या है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अल्लाह की जात वो है जो हई और कयूम है। हई का मना होता है जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा, जिस पर मौत का इतलाक नहीं, जिसके बारे में मौत का कोई तसव्वुर नहीं। अब देखें हजरत अली, एक तरफ तो इस्माइली और शिया कहते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह में पैदा हुए, जब पैदा हुए तो इसका मतलब ये कि इससे पहले उनका कोई वजूद ना था दुनिया में, और फिर उन पर उनको जब वो शहीद किए गए तो फिर उन पर जनाजा पड़ा गया और फिर उनको दफन किया गया। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दफन नहीं किया गया, लेकिन ये सरासर झूठ है, इफ्तरा है, और हजरत हसनैन करीमैन की ये कि शान के ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि मैयत को दफन करना ये फर्ज़े किफाया है। तो ये मैयत का हक है कि उसको दफन किया जाए, तो किस तरह वो अपने बाबा को, अपने वालिद साहब को इस तरह बगैर दफन किए छोड़ सकते हैं। तो आम तौर पर अहले सुन्नत वल जमात के जो मुहक्किक उलमा हैं उनका यही उनकी तहकीक है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे के अंदर जो है, हाँ अलबत्ता मकाम के बारे में इख्तलाफ है कि कहाँ उनको दफन किया गया, लेकिन ये कि कूफे के अंदर उनको दफन किया गया, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ी गई। और फिर जो है तो जो हस्ती जिनको विलादत नसीब हो और फिर उन पर मौत आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में जब उनको शहीद किया गया, तो जब ये सारी बातें उनके साथ पेश आईं तो फिर वो कैसे जो है ना वो खुदा या खुदाई सिफात के हामिल हो सकते हैं। तो मारिफत सिर्फ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहचान का नाम नहीं, मारिफत जो असल में अल्लाह ताला की मारफत और अल्लाह ताला की पहचान का नाम है। हाँ, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मनसब की मारफत पहचान कि वो अल्लाह ताला के महबूब थे, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा साहब भाई थे, चौथे खलीफा राशिद थे, और जो है अल्लाह ताला के महबूब बंदों में से थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये हमारा ईमानी तकाजा है कि हम उनका इस लिहाज से अदब और एहतराम करें, लेकिन असल मारिफत अल्लाह की मारिफत है जो 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 सब का पैदा करने वाला, पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, जो वाजिबुल वजूद है, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, बेनियाज ज़ात है, ना वो लम यलिद व लम यूलद, ना उसका बेटा है, ना वो किसी का बेटा है, ना उसकी बीवी है, उसका हम सर कोई नहीं। तो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला की सिफात के साथ मानना और पहचानना, इसी चीज का नाम मारिफत है, ताकि इंसान अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की इबादत सही दिलो जान से आदमी करे। यहाँ पे एक वीडियो हमने स्टार्टिंग में चलाई थी जिसमें इस्माइलियों के नजदीक अपने इमाम के अंदर शामिल हो जाना, मौत के बाद अपनी रूह का उसके नूर में हुलूल कर जाना, असल में वासल हो जाना, यही मार्फत है। एक चैलेंज मैं फेस कर रही हूँ, मोर देन 10 पीपल हम लोग जो है वो स्ट्रीम पे ऐड नहीं कर सकते, इसलिए वेटिंग रूम में नूरुल्ला भाई है और सिस्टर मरियम है, प्लीज डोंट माइंड। अगर बहुत जरूरी कोई क्वेश्चन है तो आपको हम जो है, आपने ये जो वीडियो चलाया था ना, अब ये देखे एक सारे अकल आदमी जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी भी अकल दी हो, वो इस बात को समझता है कि अगर जो है इंसान मरते वक्त इमाम के नूर में वो हुलूल हो जाए और उसके साथ उसका उसका वसल हो जाए, तो फिर उसका अपना वजूद तो फना हो गया ना,
बेशक अगर उसका अपना वजूद फना हो चुका है इमाम के वजूद में, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आखरत में हिसाब किताब तो फिर आदमी से फिर वो छूट गए ना, तो फिर जजा और सजा का सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। तो ये तो सरासर कुफर है, ये तो इस्लामी इस्लामी तालीमात है ही नहीं। हमारा जो है, हमारा कुरान और हदीस की रोशनी में, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात में, और जो है जो पहले इमाम है जिनको तमाम शिया इमाम मानते हैं, हजरत इमाम जाफिर सादक रहमतुल्लाह अलैह तक, हजरत अली, हजरत हजरत हसनैन, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम इमाम जाफिर सादक, उनकी तालीमात आपको आप देखें, वो उनकी उनकी तालीमात में, उनकी दुआओं में, उनकी जिंदगी में ये बात रोजे रोशन की तरह वाजे है कि उनका हिसाब पर और जजा और सजा पर यानी क्यामत के दिन पर मुकम्मल ईमान था। तो अगर इंसान का वजूद इमाम के वजूद में हुलूल कर जाए और वो वहां उससे वासिल हो जाए, तो फिर इंसान का अपना वजूद तो खत्म हो गया ना, तो फिर उस पर जजा और सजा का तस्वुर ही खत्म हो जाता है। तो जब ये सारा तस्वुर ही खत्म हो जाता है, तो फिर आखिरत का तो ये इनकार हो गया ना। और ऐसे ऐसे आपने वीडियो में सुना होगा कि इनके इमाम इनको खुद पूछ रहे हैं कि अच्छा तू वाकई में मेरे अंदर वसल होना चाहता है, चल ठीक है फिर मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। यानी कि वो मौत पर भी कादिर हैं। यहाँ तक इनके वाइजीन कहते हैं कि इमाम जो है वो इस हकीकत तक पहुंच गए हैं कि वो अपने मोमिनीन की रूह भी कब्ज कर लेते हैं, अपने अंदर शामिल भी कर लेते हैं। ऐसा कुफरिया अकायद शरीयत और मार्फत हकीकत के हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज अभी कर लीजिए। कासिम भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, मौलाना कासिम ने अल्हम्दुलिल्लाह। एक मेरा सवाल है, जी खान भाई। जी शेख साहब, आपका जो पहला जो बयान था स्टार्टिंग में आपने दिया था, उसी सिलसिले में यही है कि जरा रहनुमाई चाहिए थी आपकी कि ये लोग बोलते हैं कि हमारा मजहब बातूनी है और जो इनकी एक्टिविटीज, जो क्रियाएं है, जो एक्टिविटीज जमात खाने में जो काम करते हैं, वो सारे काम है ना जाहिरी होते हैं, जैसा कि इनकी दुआ पढ़ना है, तस्बीह निकालना है, नांदी करना है। इसके बारे में शायद आपको थोड़ा माने मोर ओवरऑल जो एक्टिविटीज है वो सारे एक्टिविटीज है वो जाहिरी है। तो और जब हम नमाज की बात करते हैं इनसे, तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारा मजहब या वजू करना है या रोजा है। रोजे की बात करते कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान के अंदर 30 रमजान के रोजे फर्ज कर दिए, तो ये बोलते हैं कि नहीं हमारा बातूनी रोजा होता है। तो इस पे जरा अगर रोशनी डाले तो जज़ाकअल्लाह खैर। तो भी मैंने अर्ज किया ना कि रोजा तो जो है, रोजा है ही जारी चीज का रखने का। अब उसमें सवाब इंसान को जो अल्लाह ताला की तरफ से मामला होता है वो इंसान के, इसमें कोई शक नहीं, बातूनी कैफियत यानी उसके जो जज्बा इखलास पर और तकवे पर, यानी इंसान ने रोजा रखा हुआ है तो जब आदमी किसी से बात करता है तो किस नजरिए से, यानी अगर किसी गैर महरम औरत के ऊपर नजर पड़ जाए तो अपनी निगाह को झुका लेता है या शावत की निगाह से वो देखता रहता है। तो ये इन चीजों का ताल्लुक इसमें कोई शक नहीं कि बातनी कैफियात के साथ है, लेकिन जो इंसान जो सबसे बड़ी चीज है कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वकुलू वशरबू हत्ता यतबयन लकुम अल-खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, कि खाओ पियो जब तक जो है ना वो सुबह सादिक ना हो जाए, और फिर अपने इसी तरह रोजे को यानी खाने पीने और जो है इज़दवाजी तल्लुकात से इज्तनाब के उमूर को आप पूरा करो हत्ता के जो है ना सूरज गुरूब ना हो जाए। तो रोजा जो है उसका एक जाहिर है, इसी तरह नमाज का एक जाहिर है कि इंसान जो है वो सारे अरकान को सही मानों में बजा लाए, और उसकी 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 बातनी कैफियत क्या है कि जब आदमी ये सारे काम करते हुए इस अंदाज से नमाज पढ़े, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरह हो, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गोया तो इस तरह अल्लाह की इबादत कर गोया के वो अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह के दरबार में तू हाजिर है, अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहा है। तो इसके अंदर ये जो कैफियात है, ये जो कुव्वत है, और ये जो हकीकत है, और ये मार्फत का पहलू जब आदमी जाहिर की पाबंदी करता है। अब देखें, अब जिस तरह एक बीज बोया जाता है तो जब वो जमीन में वो अच्छी तरह करार पकड़ता है और उसको जो है ना वो पानी और आबो हवा मुनासिब मिलती है, तो फिर रफ्ता रफ्ता उसकी नशो नुमा होती है, हत्ता कि वो तनावर दरख्त बन जाता है, फिर उस पर शाखें आती हैं, फिर जब मौसम आता है तो फिर उस पर फल और फूल लगते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पकते हैं। तो ये सारी चीजें इनको वक्त दरकार होता है, लेकिन जब अगर जड़ ही सूख जाए तो वो सारा दरख्त बेकार हो जाता है।
तो जब इंसान के अकायद और नजरियात और जो बुनियादी फराइज हैं उनसे इंसान उनको अगर पूरा सही मायनों में अदा नहीं करता, उनका हक अदा नहीं करता, तो फिर बाकी सारी चीजें फजूल हैं। ये सारे जितने बातनी दावे हैं हकीकत के, मारफत के, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, अगर शरीयत की पाबंदी के बगैर हैं तो ये सब फजूल हैं। शरीयत की पाबंदी के बगैर हैं तो फजूल हैं। इमरान राम जी इनके इस्माइली मिशनरी के साथ होते हैं, अक्सर उनकी चीजें कोट करते हैं। उन्होंने लिखा है, आई एम टॉकिंग टू शेख, आई एम पुटिंग इट इन थ्री डिफरेंट वेज। शरीयत इज कॉमन सेंस, तरीकत इज नेशनल रैशनल सेंस, हकीकत इज इंटेलिजेंट एंड मारिफत इज नोसेज लाइक फना फिल्ला। अब मुझे नहीं पता कि इसने इस बात में क्या आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश की है, लेकिन इन द एंड उसने अपने अकायद को थ्री डिफरेंट वेज में बता दिया कि शरीयत कॉमन सेंस है जिसको हम मुसलमान फॉलो करते हैं, तरीकत रैशनल है, हकीकत इंटेलिजेंस है, और मारिफत जिसमें इस्माइली पहुंच चुके हैं अकॉर्डिंग टू हिम ही सेइंग इट इज फनाफिल्ला। जी अशेख साहब, तो देखें अगर फनाफिल्ला अगर कॉमन सेंस के बगैर है, अब देखें कुरान में अल्लाह ताला ने बार बार इस चीज का अफला ताखिलून, अफला याखिलून, अफला यतदब्बरून, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें अकल नहीं है, तुम अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तुम सोचो। जैसे मैंने पहले भी गालबन एक बात अर्ज की थी कि अमेरिका में एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मुसलमान हुए, जेफरी लैंग उनका नाम था, जेफरी लैंग, यूट्यूब पर उनके काफी वीडियोज वगैरह हैं। तो जब वो उन्होंने कुरान का मुताला शुरू किया तो फिर एक चीज से वो बहुत मुतासर हुए, जहां और बातों से मुतासर हुए, एक चीज से ने उन्हें जो बहुत ज्यादा मुतासर किया वो ये था कि कुरान बार बार इस चीज का तकाजा करता है कि तुम अकल इस्तेमाल क्यों नहीं करते। अब देखें एक चीज रैशनल है और एक चीज जो है उसकी रियलिटी है, क्या वो कॉमन सेंस के खिलाफ हो सकती है? एक चीज की हकीकत है। अब अंग्रेजी में बाज़ दफा ये भी कहते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन एनीमोर, कि जब आदमी अपनी अकल से ही हाथ धो बैठे तो फिर आपको आप उसको फिर जिस तरह मर्जी उल्लू बना लें। एक चीज कॉमन है, एक चीज बेसिक है, तो क्या वो रैशनल नहीं होगी? तो क्या वो लॉजिकल नहीं होगी? तो अब अल्लाह ताला की जात में आप फना फिल्ला होंगे तो आप कैसे फना फिल्ला होंगे? अगर यानी वो जो अल्लाह ताला ने दस्तूर बनाया है, जो अल्लाह ताला ने कानून बनाया है, जो अल्लाह ताला की सुन्नत है, जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अब देखें अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म फरमाया कि आप वमा अनज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास, कि हमने आप पर जो है किताब नाजिल की ताकि आप लोगों को खोल खोल कर बयान फरमाएं, उनको अच्छी तरह समझाएं। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब ये उसूल का ये शियों की कुतुब में भी ये बातें ये रिवायत मिलती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपने कई मरतबा अर्शाद फरमाया कि मैं चाहता हूं कि मैं नौजवानों को कहूं कि वो लकड़ी का ईंधन इकट्ठा करें और जो लोग बगैर किसी उजर के अपने घरों में नमाजें पढ़ते हैं उनके घरों को जाकर जला दूं। सुन्नियों की किताबों में भी ये हदीस में हदीस मिलती है, शियों की कुतुब में भी ये हदीस मिलती है। अब ये जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो रहे थे, आपको गुस्सा आ रहा था उन लोगों पर जो घरों में नमाज पढ़ते हैं और वो मस्जिदों में आकर नमाज नहीं पढ़ते, तो ये कौन सी नमाज थी? ये बातनी नमाज थी, फनाफिल्ला वाली नमाज थी सिर्फ, ये जाहिरी नमाज थी? दुनिया का हर कानून, जैसे अर्ज किया ना, ये एक फितरी तकाजा है कि दुनिया का हर कानून जाहिर का पाबंद है। हमारा दीन बुनियादी तौर पर जाहिर का पाबंद है, हाँ अलबत्ता जाहिर के साथ साथ अपने अंदर रूहानियत पैदा करने, जिस तरह एक जिंदा आदमी कौन है जिसका जिस्म भी सही सालम है और जिसके अंदर रूह भी है, अगर उसके अंदर रूह नहीं है तो वो लाश है, और अगर जिस्म और रूह निकल जाए वो आदमी लाश तसव्वुर होता है। तो जिंदगी के लिए अच्छा सही सालम जिस्म भी जरूरी है और फिर उसके अंदर रूह भी जरूरी है। तो इसी तरह शरीयत के जिस कितने अहकामात हैं वो सब अपनी जगह अटल हैं और जो है एब्सल्यूट हैं, उनको नजरअंदाज कतअन नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उनको एक अच्छे तरीके से मोहब्बत से, इखलास से, आजजी और इनकिसारी से और पूरी तवज्जो ध्यान से, दिलो जान से अदा करने का नाम वो तरीकत है, और जब आप इस तरह पर चलेंगे तो फिर वो सारी चीजें मजमुआ जो है वो हकीकत बन जाएगा
और उस हकीकत के समरे में आपको अल्लाह ताला की मोहब्बत मार्फत नसीब हो जाएगी। जब आदमी अल्लाह ताला की मार अल्लाह ताला की जात में इस तरह अपने आप को फना कर दे, यानी फना का कर दे, अल्लाह की जात में हलूल हो जाए। आदमी अल्लाह की जात में कैसे हलूल हो सकता है? ये तो बिल्कुल कुफर और गैर माकूल बात है। अल्लाह की जात में फना हो जाए मतलब क्या, यानी उसका हर काम अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाए। और अल्लाह की मर्जी क्या है कि मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखें, अल्लाह ने माल दिया है जक़ात दें, और जो है हज करें, अल्लाह ने माल दिया हो तो हज करें, और फिर जो है हर अच्छा काम करने की कोशिश करें, हलाल का एहतमाम करें, हराम से बचें, शराब जुए से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, इन सब बातों से बचें, और अल्लाह ताला के अहकामात का पाबंद रहें। नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक तालीमात जिनको अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए नमूना बनाया है, उनके तरीके और नक्शे कदम पर चलें। यही फनाफिल्ला है, यही फनाफिर रसूल है, यही तरीकत है, यही हकीकत है, और यही मार्फत है। शेख साहब ये जो आपने बताई ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि इनका जो अकीदा है वो अकीदा यही है कि नाउज़बिल्ला अल्लाह का नूर, अल्लाह का जो नूर है, अल्लाह इनके अंदर घुसूल हो गया, हाजिर इमाम इनके इमाम के अंदर घुसूल हो गया। और जब ये इस्माइली अगर कोई भी दुनिया से जो मर जाते हैं तो उनका रूह जो है, उनकी जो जो रूह है वो हाजिर इमाम में मिल जाती है, नाउज़बिल्ला इस तरह की बातें करते हैं। ये सरासर यानी ये एक धोखा है। देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्म इस्तक़ामू, कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं और फिर उस पर डटे रहें, जमे रहें, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नू, तो फिर मरते वक्त उन पर फरिश्ते हाजिर होते हैं, नाजिल होते हैं, वो कहते हैं कि आप किसी चीज से डरे नहीं, घबराए नहीं, हम जो है आपको आपके दोस्त हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत में भी तुम्हारे दोस्त होंगे, व अबशिरु बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुआदून, और फिर वो उनको बशारत देते हैं जन्नत की। और सूरह फजर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इंसान के ऊपर आखिरी वक्त आता है, मौत का वक्त, तो फिर फरिश्ते कहते हैं इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि चलो हम तुम्हें लेकर जाएं तुम्हारे रब की तरफ। तो रब की तरफ, तो रब के अंदर उसका हुलूल नहीं होता है, तो यानी अल्लाह ताला के बारगाह में पेश होते हैं और फिर उनको उनकी अरवाह को आला इलीजीन में रखा जाता है। अल्लाह ताला की जात में उनकी या उनकी अरवाह का हुलूल नहीं होता। हर इंसान का अपने अपना एक मकाम है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर इंसान की रूह इमाम की रूह के अंदर हुलूल कर जाए या इमाम की जात में मिल जाए, तो फिर तो देखे ना, एक गिलास पानी है, एक बाल्टी अगर पानी की हो तो आप एक गिलास पानी उस बाल्टी में इजाफा कर दें तो वो जो एक गिलास का पानी होगा वो तो बाल्टी के पानी के अंदर मिल जाएगा ना, उसका अपना वजूद तो खत्म हो जाएगा। तो जब उसका अपना वजूद खत्म हो गया तो फिर इंसान के ऊपर आखिरत के जितने उमूर हैं, जजा और सजा के, वो तो फिर उससे साकित हो गए ना, तो फिर वो तो आदमी उनसे बेनियाज हो गया, उसके हक में वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो फिर ये तो इंसान सिर्फ इस्लाम की नहीं, तमाम आसमावी मजाक की बुनियादी तलीमात में से ये चीज है कि आखिरत में हिसाब किताब होना है। एक पॉइंट अर्ज करना है वो ये है कि इस्माइली ईद के मौके पर ईद की नमाज जमात खाने में पढ़ते हैं, वो अलग बात है कि उनको गुसल वजू का पता नहीं, पाकी नापाकी का पता नहीं, ऐसे ही चले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन उस नमाज के अंदर वो दुआ मांगते हैं, दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अज़ाबन्नार, तो ये दुआ पढ़ते हैं कि भाई हमें दुनिया की भलाई अता फरमा, आखिरत की भलाई अता फरमा और हमें आग से बचा, तो ये दुआ मांगते लेकिन कभी सोचते नहीं इसके बारे में। तो ये एक मेरा पॉइंट है कि वो इस्माइली भाई जो सुन रहे हैं इसमें वो इसको सोचें, एक बात। दूसरी बात, ये दुआ में जो है सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके अंदर ये बात, ये सूरह फातिहा में मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक है, तो कयामत का दिन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा इनके सामने होना चाहिए। अच्छा। ये खुद दुआ में पढ़ते हैं ये बात, तो फिर असल वासल का सवाल कहां से पैदा हुआ? अच्छा, टॉपिक पे रहते हैं अच्छा, और एक नहीं और
अस्सलाम वालेकुम। और एक चीज देखिए, इमाम के रूह में, हाँ भाई, इमाम के रूह के अंदर जो असल में वासिल जो हो जाते हैं वो खाली इस्माइली होते हैं, तो बाकी सबकी रूह कहाँ जाती है भाई? अब दुनिया के अंदर इस्माइली है कितने, वो तो जरा इस्माइली गौर करें। ये एक जो सूफियों का कॉन्सेप्ट है वहदतुल वजूद, उसमें उसकी जो एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि हर चीज अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है तो हर चीज अल्लाह है, ये इस्माइली वो वहदतुल वजूद के कॉन्सेप्ट को लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जो इमाम और जो रसूल है ना, ये अल्लाह के मज़हर है दुनिया में, अल्लाह की कॉपी है। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो कहते हैं कि इमाम अल्लाह का मज़हर है, अल्लाह की कॉपी है। अब जिस तरह से कुरान में अल्लाह का हाथ, अल्लाह का चेहरा, वो ये इमाम है, तो फिर ये कहते हैं कि एक मज़हर को एक कॉपी से दुआ करना और अल्लाह से दुआ करना एक ही बात है। तो ये इस्माइली या अल्लाह या मोहम्मद या अली, इन तीनों को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और ये लोग कहते हैं कि मज़हर से मांगो या अल्लाह से मांगो, एक ही बात है। तो इस तरह से अच्छा, गुजारिश ये है, गुजारिश ये है कि शेख साहब की नमाज का टाइम हो जाता है, अगर आपने कोई सवाल करना है शेख साहब से तो प्लीज अभी कर लीजिए, फिर उनको जाना होगा, फिर हम आपस में ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अभी शेख साहब की रहनुमाई चाहिए हमें, हकीकत शरीयत मारिफत तरीकत, इसके हवाले से कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, इंशाल्लाह आप सबकी राय जरूर लेंगे। शेख साहब, इनका जो एक कॉन्सेप्ट है ना ये फना फिल्ला वाला, उसके अंदर जो है ना वो एक मंसूर का एग्जाम्पल देते हैं और उसके इमाम का भी इसके बारे में फरमान है कि जो मंसूर जो है वो अपने आप को नौजुबिल्ला खुदा समझता था तो लोगों ने उसको जला दिया, तो जब उसकी ये जो खाक हो गई ना उसमें से भी जो है आवाज आ रही थी कि भाई नौजुबिल्ला मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, तो ऐसी कोई हिस्ट्री में कोई वाकया है क्या? वो देखिए, ये मंसूर हल्लाज जो था ये एक फनाफिल्ला दरवेश था, मजरूब थे, इसमें कोई शक नहीं, तो लेकिन ये कि वो हमारे लिए वो नमूना नहीं है। हमारे लिए नमूना कौन है? हमारे लिए नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी ऐसा दावा किया? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए देखे ना मंसूर हल्लाज को सूली पर लटकाया गया, उनको सजा दी गई, और सजा दी क्यों दी गई? क्योंकि उनका ये दावा जाहिर के खिलाफ था, उनकी जो बातनी कैफियत थी या जो था वो अपनी जगह पर था, उसके ऊपर हम अभी ये एक तफसीली ये एक मौजू है ये मुस्तकिल, लेकिन ये कि जब उन्होंने ऐसी बातें की जो जारी शरीयत के खिलाफ थी तो उनको सूली पर लटकाया गया। तो अच्छा, तो अगर ये कहते हैं तो फिर इनको भी सूली पर लटका देना चाहिए ना। सही है वो बात भी, तो पता चल जाएगा ना। सही है, माशाल्लाह। हमारी नमाज का वक्त जो है ना बिल्कुल हो गया या होने वाला, तो इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला मौका दिए, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। और एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक दुआओं में से एक दुआ, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कन वरज़ुक़ना तिबा, के आए अल्लाह तो हमें हक हक को हक ही दिखा, वह अरिन अल बातिला बातिला, जो चीज बातिल है या अल्लाह तू उसको हमारी आंखों में हमारी समझ में या अल्लाह तू बातिल ही रख कर हमें दिखा, वरना बाज़ दफा क्या होता है कि लोगों को बातिल और गुमराही हिदायत समझ में आती है और जो हिदायत वाला रास्ता है और हक का रास्ता है उसको लोग बातिल समझते हैं। इसलिए हमारी नमाजों में जो हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, कि या अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला और सीधे रास्ते पर रख उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, और जिन पर इनाम हुआ वो कौन में है? उनमें सरे फरिश्त हैं, पैगंबर, फिर सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन। और देखें इस आयत में इमामों का कोई जिक्र नहीं, नबियों का जिक्र है, सिद्दीकीन का जिक्र है, शुहदा का जिक्र है, नेकोकार परहेजगार लोगों का जिक्र है, तो उनके रास्ते पर चला, ना कि उन लोगों का रास्ता जिनसे तू नाराज हुआ और जो जो गुमराह हुए। तो गुमराही भी जो है ना एक मुस्तकिल एक अल्लाह ताला की लानत है और एक अल्लाह और एक महरूमी है कि आदमी जो है ना खास तौर पर इनको अल्लाह ताला हिदायत दे और फिर वो हिदायत वाले रास्ते को छोड़ कर गुमराही वाला रास्ता इख्तियार करें। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें अल्लाह ताला हिदायत पर कायम रखे, और ताकि हम इस्लाम पर अपनी जिंदगी गुजारें और तब हमारे खात्मे का अल्लाह ताला हम सबको ईमान की सलामती के साथ खात्मा नसीब फरमाए। वसल्लम वसलम अला सय्यदिना मुहम्मदिन वअला आलिहि वसल्लम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आमीन।
आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मुमताजुल हक, जल्ला पाका को जजाय खैर दे। प्रोग्राम का पहला हिस्सा यहाँ पे मैं एंड कर देती हूँ ताकि ये महफूज हो जाए, ये टॉपिक जो आज डिस्कस किया शेख मुमताजुल हक ने, इसे यूट्यूब पर ऑफ करके दोबारा इसका पार्ट टू ऑन करते हैं।